गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटर में। और हम करंट अफेयर्स की सीरीज जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ये नेक्स्ट स्टेज है। और हम लोग यहाँ पर 7 अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल सकेगी। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अगर आप इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं इस नंबर पर आपको जुड़ जाना चाहिए। आप यहाँ पे जुड़ जाओगे इस नंबर के साथ व्हाट्सएप पे। अगर आप यहाँ पर जुड़ जाओगे तो आपको यहाँ की करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है, जो ये चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ के रूप में भी आपको मिल जाया करेगी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, इस सेशन को लाइक करेंगे। और ये सेशन में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आपको मैं रूबरू कराऊंगा। तो 7 अप्रैल 2020 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एनसीसी हैज ऑफर्ड वॉलेंटियर कैडेट्स टू असिस्ट सिविलियन अथॉरिटीज टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 अंडर विच एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि एनसीसी ने किस अभियान के तहत स्वयंसेवी कैडेटों को नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए कोविड-19 से लड़ने की पेशकश की है। तो ये जो अभियान है, इस अभियान का आपको नाम बताना है और इस अभियान का करेक्ट नेम है एनसीसी योगदान। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? एनसीसी योगदान। इट मींस इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। ऑप्शंस और भी सारे दिए हैं लेकिन इसमें करेक्ट आंसर एनसीसी योगदान है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। एनसीसी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस अभ्यास में जो लोग जुड़ेंगे वो 18 साल से अधिक के उम्र के होंगे या फिर एनसीसी के सीनियर डिवीजन के जो कार्यकर्ता होंगे वो इसके साथ जुड़ सकेंगे। और हर एक व्यक्ति जो है वो एक विशेष प्रकार के ग्रुप में सम्मिलित होगा जिसके ग्रुप में 8 से 20 कैडेट जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसका हेडक्वार्टर ऑफिस आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। एनसीसी का दोस्तों आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और ये एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली संस्था है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद विच कंपनी केरला बेस्ड SCTIMST कोलेबरेटेड टू मेक पोर्टेबल लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम। आपको बताना है कि किस कंपनी के साथ केरल स्थित SCTIMST ने पोर्टेबल लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम बनाने का सहयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विप्रो 3D। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? विप्रो 3D। तो ये जो STIMST का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये केरला का एक इंस्टीट्यूट है। तो केरला श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और इस इंस्टीट्यूट ने विप्रो के साथ में अपनी साझेदारी करते हुए कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का लाइट वेट एमरजेंसी वेंटिलेटर सिस्टम बनाने का प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट जो है वो एक तरीके की है जो मैनुअली जो है ब्रीथ करने में सहायता करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द कोलेबोरेशन विद विच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा गवर्नमेंट हैज लॉन्च द मो प्रतिभा यानी माई टैलेंट प्रोग्राम टू एंगेज किड्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन। आपको मालूम है आजकल लॉकडाउन की बहुत ज्यादा स्थिति चल रही है। और जैसा कि आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 21 दिन का लॉकडाउन का आह्वान किया गया था और वो शायद 14 अप्रैल को पूरा हो रहा है। और आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट में ये भी चीजों की बहस चल रही है कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, हो सकता है कि इसमें लॉकडाउन समाप्त भी किया जा सकता है और नहीं भी समाप्त किया जाता है। कुछ कहना कठिन है, अभी स्पष्ट जो है स्पष्टीकरण कहीं से नहीं मिला है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया गया कि लॉकडाउन की जो स्थिति है इससे व्यक्ति बोर ना हो घर में, जो है कह सकते हैं कि व्यक्ति परेशान ना हो क्योंकि इतना ज्यादा कोई व्यक्ति घर में रुकता नहीं है, पहली बार इस तरीके की प्रैक्टिस करने को मिल रही है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए एक प्रोग्राम है जो बौद्धिक स्तर में खेल के रूप बौद्धिक स्तर को बढ़ाएगा और उनके खेल खेल में जो है उनकी बुद्धि का विकास होगा। तो यहाँ पर उसी प्रोग्राम के बारे में बात करी जा रही है। पूछा गया, किस विश्व संस्था के सहयोग से ओडिशा सरकार ने, कौन सी सरकार ने? ओडिशा सरकार ने, ओडिशा गवर्नमेंट ने तालाबंदी के दौरान बच्चों को शामिल करने के लिए मो प्रतिभा यानी मेरी प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसके साथ मिलकर के कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो जब बच्चों की बात आ रही है तो इसमें से उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ढूंढना है जो बच्चों के लिए काम करता हो। और बच्चों के लिए काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सा है? द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। देखिए, इसको यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है, UNICEF। ठीक
ठीक है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन फॉर यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस इमिग्रेंट चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये आपको यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मो प्रतिभा नाम का जो टैलेंट प्रोग्राम है, ये ओडिशा गवर्नमेंट और यूनिसेफ मिलकर के चलाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज एडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ग्लोबल सॉलिडेटरी टू फाइट कोरोना वायरस अगेंस्ट 2019। उस संगठन का आपको नाम बताना है जिसने कोरोना वायरस रोग 2019 से लड़ने के लिए संकल्प जो है लिया है, वैश्विक एकजुटता करने के लिए, एकजुटता को अपनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कई लोग बेटा यहाँ पे G20 लगा सकते हैं, G20 की वर्चुअल मीटिंग हुई थी इस वजह से, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है UNGA। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके इसके साथ में 188 देश और शामिल हैं, और 188 देशों ने मिल करके इस लड़ाई, इस कोरोना के विरुद्ध जो है वो जंग छिड़ी हुई है और इसे हराने का प्रयत्न कर रहे हैं। और इस तरीके का रेजोल्यूशन लेने का, ये किसी भी वैश्विक महामारी के खिलाफ इस तरीके का रेवोल्यूशन पहली बार UNGA के द्वारा लिया गया है। इसके पहले इस तरीके के रेवोल्यूशन कभी नहीं लिए गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या होगा, विश्व जो है वो इस पेंडेमिक या एपिडेमिक जो हो रहा है, ये इससे निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कोऑर्डिनेट करके चलेगी। और कोऑर्डिनेट जो है वो WHO के द्वारा जो रिकमेंडेशंस होंगे, जो गाइडलाइंस होंगी, उनको ध्यान में रख करके आपस में तमाम सारे इंफॉर्मेशन को साझा करते हुए, तमाम सारे साइंटिफिक रिसर्च एंड नॉलेजेस को साझा करते हुए ये रेजोल्यूशन पूरा किया जाएगा जिसमें 188 देश शामिल हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको करने वाली संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन से मैं यहां पर एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। अभी हाल ही में मैंने UNO के ऊपर एक स्पेशल क्लास ली है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, माफ कीजिएगा यहां पे गलत लिख जा रहा है, यू यहां पे लिख दे रहा हूं, UNO। तो UNO के लिए एक मैंने स्पेशल क्लास भी करी है, आपको वो स्पेशल क्लास यहां पर इस वीडियो के अंत में, उसका लिंक जो है आपको वो दिख जाएगा वीडियो के अंत में, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। और UNO संस्था के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड द प्रोटोटाइप फॉर इंडिजीनियस वेंटिलेटर अंडर प्रोजेक्ट प्राण? तो प्रोजेक्ट प्राण के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर के लिए प्रोटोटाइप विकसित किया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने? IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ही इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज ये बेंगलुरु में है, और यहाँ के जो साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों ने मिल करके वेंटिलेटर जो है वो इस तरीके का प्राण प्रोजेक्ट के अंदर एक इंडिजीनियस वेंटिलेटर डेवलप करने की बात कही है। ये जो कोरोना वायरस है, ये लंग इन्फेक्शन डिजीज है एक तरीके का, इससे फेफड़े जो है वो डैमेज हो जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और व्यक्ति की डेथ हो जाती है, इस तरीके से होने की संभावना रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कंट्री विच होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम 2021। 2021 में तीसरे एडिशन यानी तीसरा संस्करण जो होना है एशियन यूथ गेम्स का, वो कहाँ होगा, किस देश में होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है चाइना, जहां से आपको मालूम है किस तरीके की महामारी की शुरुआत हुई है। और हालांकि चाइना इस बात पे बहुत गुस्सा करता है जब हम उसे चाइनीज कोरोना वायरस के रूप में जब बोलते हैं तो ठीक है। चलिए, तो 2021 में एशियाई युवा खेल के तीसरे संस्करण की मेजबानी जो है वो कौन करेगा? चाइना करेगा, और चाइना के शांताओ में होगा, शांताओ शांताओ, ठीक है, कहां पे होगा? शांताओ शहर में होगा। 2021 में नवंबर 20 से 28 के बीच इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसका अनाउंसमेंट किसने किया है? इसका अनाउंसमेंट किया है OCA ने। OCA क्या है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेम द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स एसोसिएशन टू फाइट अगेंस्ट COVID-19। COVID-19 से लड़ने के लिए सिविल सेवा अधिकारी संघ द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? तो आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग कई नामों से प्रोनंशिएट करते हैं, कोरोना को कई सारे नामों से प्रोनंशिएट करते हैं, और इसी में एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक एक बड़ा अजीब सा प्रोनंशिएशन है जिसको हम लोग बोलते हैं करोना, ठीक है। तो इसी तरीके का प्रोनंशिएशन करते हुए यदि अगर आप याद रखेंगे करोना, तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा, ठीक है, करोना।
ठीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए अगला, इसमें हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। लिखा है एसोसिएशंस रिप्रेजेंटिंग ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज इंक्लूडिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी आईएएस एंड आईपीएस। तो आईएएस आईपीएस ये सब लोग मिल करके एक कह सकते हैं कि इनिशिएटिव ले रहे हैं, और इस इनिशिएटिव का नाम है कोरोना। और कोरोना का यहाँ पर कोरोना कोरोना का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, सिविल सर्विसेज एसोसिएशन, यानी सी स्टैंड फॉर सिविल सर्विसेज, ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, आर फॉर रिसर्च, ठीक है, टू सपोर्ट द नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। कोरोना का फुल फॉर्म भी यहां से यहां तक में आपको मिल गया है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सारी तैयारियां जो हैं वो कोविड-19 से लड़ने के लिए की जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द ऑपरेशन विच हैज कंडक्टेड बाई इंडियन एयरफोर्स IAF टू ट्रांसपोर्ट 6.2 टन्स ऑफ इसेंशियल मेडिसिन टू मालदीव। तो मालदीव को 6.2 टन एसेंशियल मेडिसिन जो है वो भेजने की बात कह सकते हैं कि IAF ने किस ऑपरेशन के तहत जो है ये काम करने की बात कही है। तो ये इस ऑपरेशन का नाम है, इस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो ये 6.2 मिलियन टन है, 6.2 मिलियन टन। तो इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन संजीवनी। अरे स्लाइड आगे चली गई भाई, ऑपरेशन संजीवनी, यहाँ ये ऑप्शन नंबर 2, ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत 6.2 टन जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज हैं वो मालदीव्स को भेजी जाएगी IAF की तरफ से, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री को हम ये भेज रहे हैं, तो वो कंट्री का नाम भी आप याद रखना है, मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट रिलीज्ड बाय होम मिनिस्टर, व्हाट इज द अमाउंट रिलीज्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह टू ऑल स्टेट्स अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड SDRMF। इसको हम लोग SDRMF बोलेंगे। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि SDRMF का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड को हिंदी में कहेंगे राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष। तो राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष में सभी राज्यों को कितने मतलब कह सकते हैं कि राशि का सैंक्शन किया गया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है 11,092 करोड़। ठीक है, कितना है, 11,092 करोड़ रुपए का सेंक्शन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक तरीके से ये कॉन्फ्रेंस की गई थी नरेंद्र मोदी जी के कहने पर, और ये आपको ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो आह्वान हुआ था, इसकी वजह से ये जो यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, इन्होंने 11,092 करोड़ रुपीज का जो है स्टेट्स को सेंक्शन किया है। सहायता राहत कोष जो है वो एक तरीके के उससे उसमें जाएगा, और इससे कोविड-19 में लड़ने में सहायता मिलेगी अलग अलग राज्यों को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ ऑफिशियल मैस्कट ऑफ 19 एशियन गेम्स 2020, 19वें एशियाई खेलों 2020 के आधिकारिक शुभंकरों के नाम क्या हैं? ऑप्शन है यहां पर लिखा है कोंग क्वांग, और दूसरा ऑप्शन लिया हुआ है लियानिरिन, और तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है चेन चेन, और चौथा है बोथ 1 एंड 3, और पांचवा है 1, 2 एंड 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, जो ऑफिशियल मस्कट जो होता है उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जो ये गेम्स वगैरह होते हैं, जितने भी ये जो गेम्स वगैरह होते हैं, तो इनका एक कह सकते हैं कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसको हम लोग मैस्कट के रूप में जानते हैं। तो ऑफिशियल मैस्कट जो 19th एशियन गेम हो रहे हैं वो 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच में होंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? 10 से 25 सितंबर 2022 के बीच में होंगे, जो कि कह सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है वर अनवेल्ड एट अ 20 मिनट डिजिटल लॉन्च सेरेमनी इन
हुआंगजू चाइना, तो चाइना में इसका जो है कह सकते हैं इस मस्कट को रिप्रेजेंट करने की बात कही गई है, और इस सेरेमनी में बहुत सारे लोग इकट्ठे जरूर होने थे, लेकिन पेंडेमिक होने की वजह से, कोरोना वायरस के पेंडेमिक होने की वजह से ये लोग यहाँ पर शामिल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो ये आपको ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो इसके जो ऑफिशियल मस्कट हैं वो कौन कौन से हैं, इसके ऑफिशियल मस्कट हैं कोंगकांग, और दूसरा है लियान लियान, और तीसरा है चियानचेन। यानी तीनों चारों ऑप्शन जो उसमें तीनों ऑप्शन जो दिए गए थे वो तीन के तीनों सही थे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके प्रोनाउंसिएशन थोड़े से चाइनीज होने की वजह से थोड़े दूसरे तरीके के हैं, पर डोंट वरी, आप आराम से इसको जो है वहां पर एग्जाम हॉल में पा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यूनेस्को का भी आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म बताया था, यूनाइटेड नेशन UNICEF, मैंने लिखा था UNICEF, और यूनाइटेड नेशन इमिग्रेंट चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इस तरीके से आपको दोनों के बात जो है वो याद होने जानी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। 7 अप्रैल 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे करंट अफेयर्स अच्छे लगे होंगे, आपको ये नोट करने चाहिए। रेगुलर कंटिन्यूअस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपका दिन शुभ हो।